हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो लेट्स गो गाइस, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कम्युनिटी डे, लाइक जैसे क्लासिक कम्युनिटी डे में हमें बेलडूम मिलने वाला है। जिसको नहीं पता, यहाँ पर आई बटन में आप लोग वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर आपको बेलडूम पोकेमॉन कम्युनिटी डे का मतलब क्लासिक कम्युनिटी डे का फुल डिटेल्स मिलने वाला है। और गाइज, और एक चीज बता दू, सिर्फ बेलडूम कम्युनिटी डे नहीं, यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी डे आए या कोई भी स्पॉटलाइट अवर आए, ये दो इवेंट में ये ट्रिक्स बहुत काम करता है। आप 100 IV वो पोकेमॉन को कैसे ढूंढ सकते हो, प्लस आप लोग कैसे शंडो ढूंढ सकते हो, शंडो मतलब शाइनी प्लस 100 IV, ये ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को अंत तक देखना, छोटा वीडियो होगा। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेमॉन की एक नए वीडियो में। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिक्स यूज करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, ये चीज आपको अप्लाई करना। लाइक जैसे अगर आप ये ट्रिक्स को यूज करना चाहते हो तो आपको कूल डाउन का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। अगर आपको कूल डाउन के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि कूल डाउन को कैसे मेंटेन करते हैं, तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना हर एक बंदे। अगर आपको कूल डाउन के बारे में नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कूल डाउन का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो लेवल है, मतलब इन गेम लेवल जो है, वो 31 प्लस एटलीस्ट होना चाहिए। 31 प्लस होगा तो आपको एग्जैक्ट वो जो 100 आईवी का रेशियो है वो आपको एग्जैक्ट मिलेगा, समझ रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलने वाला है। एंड गाइस, हां, ये जो ट्रिक्स है ये ओनली कम्युनिटी डे एंड स्पॉटलाइट आवर में यूज कर सकते हो, इसके बाहर आप यूज नहीं कर पाओगे, समझ गए। वैसे भाई स्पॉटलाइट आवर में बहुत ही कम रिजल्ट मिलता है, बट कम्युनिटी डे में हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अभी आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप टू स्टेप आपको क्या करना है। तो गाइज, अभी मैं आपको शो करने वाला हूँ मेरा मोबाइल स्क्रीन। ओके, तो गाइज जैसे आप लोग देख सकते हो, गेम मैंने ओपन कर दिया है। अभी गाइज सिंपली यहाँ पर दो ट्रिक्स आपको बताऊंगा, दो ट्रिक्स आपको फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज फॉलो करना है, जैसे गाइज देखो यहाँ पर आप लोग स्टार आइकन देख रहे हो, स्टार आइकन में गाइज आपको एक ऑप्शन दिखेगा फीड्स। तो भाई ये फीड्स ऑप्शन बहुत ही काम का है, यहाँ पर आप लोग अगर इसको यूज करना सीख गए तो भाई आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। लाइक फीड्स में ना आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है, लाइक इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था लेजेंडरी पोकेमॉन आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हो। बट गाइज आज हम लोग 100 IV के बारे में बात कर रहे हैं, तो 100 IV का भी आपको बेसिकली ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलो गाइज देखते हैं 100 IV में हमें क्या क्या मिलता है। लाइक 100 IV में जाने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ढेर सारा आपको जितना भी यहाँ पर पोकेमॉन्स देख रहे हो ये सब 100 IV है। बट हाँ, मैंने जो कहा था एटलीस्ट आपका लेवल 31 प्लस होना चाहिए, अगर होगा तो एग्जैक्ट आपको 100 IV मिलेगा। अगर इसके नीचे है तो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। लाइक 100 IV क्लिक करके आप वो पोकेमॉन को कैच करने जा रहे हो, बट गाइस क्या होता है वहां पर 100 IV नहीं होता है, लाइक वो 90 IV या 97 IV ऐसा कुछ होता है। तो अगर आपका लेवल 31 प्लस होगा तो एग्जैक्ट 100 IV मिलेगा, समझ गए भाई। अभी एक चीज बता दूं, यहां पर तो आप अदर्स पोकेमॉन देख रहे हो, बट जब कम्युनिटी डे या स्पॉटलाइट आवर होता है तो सर्च करने के बाद यहां पर लाइक जैसे एग्जाम्पल में बेलडूम का हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ढेर सारा बेलडूम मिलेगा। अभी आप बेलडूम में क्लिक करके जब उसका 100 IV गेट करने जाओगे, ये पक्का होगा कि जहां पर आप जा रहे हो वहां पर ही बेलडूम का कम्युनिटी डे चल रहा है, और वहां पर से ही 100 IV लोकेटेड हो रहा है, समझ रहे हो ना। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, जब कम्युनिटी डे होता है तो कोई एक प्लेस में जब कम्युनिटी डे होता है भर भर के बेलडूम मिलता है, या जो भी पोकेमॉन का हो रहा है वो पोकेमॉन मिलता है, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो सेम टू सेम वहां पर आप जाओगे, एंड अगर आप बहुत ज्यादा लकी हुए तो वो 100 IV के साथ शाइनी हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी डे में बहुत ज्यादा करके नहीं मिलता है। तो गाइस यहां पर मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, जब आपको बेलडूम आप बहुत ज्यादा देखोगे फीड सेक्शन में, तो मान लो अभी क्लिक करने के बाद आप एक लोकेशन में जा रहे हो, वहां पर बेलडूम देख रहे हो, आपको 100 IV मिला है बट वो शाइनी नहीं है, तो आप क्या करोगे, बैक कट जाओ, वो पोकेमॉन को कैच मत करना, आपको अभी शंडो ही चाहिए, मतलब शाइनी प्लस 100 IV चाहिए। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके सर्च करते जाना है, एक ना एक वहां पर आपको शाइनी 100 IV मिल जाएगा। जब आपको शाइनी 100 IV मिल जाए तब उसको कैच करो। अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, भाई मुझे तो कूलडाउन लग सकता है ऐसे अगर मैं जाऊंगा, तो भाई मेरा कूलडाउन का वीडियो देख लेना। और एक चीज बता दूं, अगर आप पोकेमॉन को कैच नहीं करोगे तो आपको कूलडाउन नहीं लगेगा, समझ गए भाई। तो ये ट्रिक्स को आप लोग यूज कर सकते हो। अभी सेकंड ट्रिक्स क्या है, यहां पर देखो सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद यहां पर एक ऑप्शन होता है ब्लॉक नॉन शाइनी। आप लोगों को पता ही होगा इसका काम क्या है, सिर्फ शाइनी पोकेमॉन अगर होगा तो उसमें क्लिक करने के बाद वो पोकेमॉन आपके सामने आ जाएगा, नहीं तो अगर वो शाइनी नहीं है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब आप क्लिक करोगे बट वो पोकेमॉन आपके सामने नहीं आएगा। ये बेसिक है, बहुत लोगों को पता है।
बट गाइज उसके साथ साथ यहाँ पर और एक ऑप्शन होता है जिसको ऑन करने के बाद, ये ऑप्शन ऑन करने के बाद आपका आई वी, मतलब क्लिक करने के बाद ही नीचे आपका आई वी लिखा हुआ आएगा कि जो पोकेमॉन में आपने क्लिक किया है उसका आई वी कितना है। तो पहले से आप बहुत शॉर्टकट तरीके से आप 100 आई वी को यहाँ से ढूंढ सकते हो, एंड अगर लकी हुए तो वहां पर वो शाइनी भी मिल सकता है। गाइज ये दोनों प्रोसेस को यूज करो, आप शंडो एंड हंडो बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो। चलो गाइज बहुत ही छोटा वीडियो था बट आई थिंक आप लोगों को बहुत ही मदद मिल जाएगा ये वीडियो से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, ये वीडियो का लाइक हम लोग रखते 700 लाइक्स। एंड गाइस फिर से बता दूं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, एंड चैनल में कोई नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस और भी देखने के लिए, फ्यूचर अपकमिंग अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड सबको लव यू।